तबरेज के काफिलों को फांसी दो, फांसी दो। तबरेज के काफिलों को फांसी दो, फांसी दो। बांधने में मतलब ऐसा स्लोगन थे कि जय श्री राम के स्लोगन थे, उसको बोला गया कि मतलब फोर्सफुली कि आप ये बोलो, और नो डाउट उसने बोला, तो तब भी उसको मारना बंद नहीं किया, उसको मारते रहे। और उसके बाद जब उसकी फैमिली को पता चला, उसके नोइंग को पता चला, देन वो पुलिस स्टेशन गए, तो उनको बोला सर हमें मेडिकल हेल्प चाहिए, तो कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली, कोई सीटी स्कैन नहीं हुआ, उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी रिपोर्ट होती है, कोई रिपोर्ट नहीं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। वो मतलब बात मेन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू रिलीजन, ठीक है, हम एक इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, हमें राइट टू रिलीजन है। अब हर कोई आके फोर्सफुली बोलेगा कि आप ये चीज़ करिए ना, फोर्सफुली तो नहीं होता ना, मेन आवाज़ें पहुँचाने का मतलब ये था, प्रोटेस्ट का ये था कि एक आवाज़ पहुँचे, उसके साथ बेगुनाह के साथ जो हुआ मतलब कहीं न्यूज़ में ही है कि क्या हुआ, पुलिस ने क्या आगे बयान किया है कि हमने केस को क्या किया, और जो मतलब जिन्होंने किया है उनको कोई सज़ा नहीं। हम यहाँ पे कोई छोटा सा भी अगर हम क्राइम ले चले ना, जैसे कि मतलब हम अगर हेलमेट नहीं पहनते उसका चलान है, ठीक है, मर्डर हुआ है ओपन एक ग्रुप में हुआ है सबके सामने, तो उसका कोई कुछ है नहीं, मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब आप देखिए ना, मतलब राइट टू रिलीजन, अगर हम नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, टोपी पहन के निकल रहे हैं, अब कोई ग्रुप आ रहा है ज़बरदस्ती बोल रहा है, तो ये तो सही नहीं है। अब वही इंसिडेंस दिल्ली में 2021 सेक्टर के बीच में एक मस्जिद है, वहाँ पे हुआ, वहाँ पे भी एक मौलवी को पकड़ा, उसको बोला जय श्री राम का स्लोगन लगाइए, उसने नहीं लगाया, उसका एक पूरा फेस पूरा ख़राब कर दिया। अब आप बताएं क्या करेगा एक मजदूर इंसान, मतलब कहाँ जाएगा, किधर जाएंगे। हमें बस ये चाहिए कि एज अ लिबर्टी कोई न्याय तो मिले, कुछ हो तो सही, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही, जिनको बोलना चाहिए वो सब चुप है। तो इन द एंड हमें प्रोटेस्ट निकालना पड़ा कि हम बोलें सबको कि एक जगह है कि कुछ। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट है ये जो आप चाहते हैं वो होगा? देखिए आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने भी एज एक प्रोटेस्ट से, कोई लड़ाई नहीं कोई कुछ नहीं, कि एज अ प्रोटेस्ट से स्टार्ट किया था, देन इंडिया आज़ाद हुआ उनके काफ़ी शिद्दतों के बाद। तो मेन हमारा भी यही मोटिव था कि छोटी सी आवाज़ पहुँचे, वो पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी हो जाए कि उसको इंसाफ मिले, कि मतलब इन शॉर्ट ये है। अब उसकी फैमिली पे, अब जिसका बच्चा मरेगा उसको तो है ना, अब उसकी फैमिली क्या करेगी, उसकी बीवी क्या करेगी, उसके बच्चे जो यतीम हो गए वो क्या करेंगे, उनके पास फाइनेंशियली कुछ इतना सपोर्ट तो होता नहीं है ना, फंडिंग वगैरह कोई देती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस की साइड से कोई हेल्प नहीं मिली, जो सबसे मेन चीज़ हमें सबसे ज़्यादा भरोसा जिनके पास है, अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है कुछ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखे, हम बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन पुलिस स्टेशन, लेकिन उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मेन हमारा कहने का मुद्दा ये है, इंसाफ चाहिए, जिन्होंने मर्डर किया उन्हें सलाखों के पीछे हमें चाहिए। आपके पास ये वीडियो कब पहुंची? ये वीडियो एज अ सोशल मीडिया हमने देखी,
सब ने देखी, पूरे इंडिया ने सोशल मीडिया देखी है, यस्टरडे में भी मैंने ये देखी, तो इसके बारे में मैंने मतलब लिटरली पूरा नॉलेज लिया कि क्या हुआ है, क्या सच है। तो सीरियसली कोई मेरे को ऐसी न्यूज नहीं मिली कि किसी भी न्यूज चैनल ने ये नहीं बोला कि हाँ पुलिस वालों ने ये काम किया, एज अ गवर्नमेंट ने, किसी एक नेता ने, वोट चाहिए दे डू एनीथिंग, सीरियसली दे डू एनीथिंग अगर उनको वोट चाहिए। जब सब खत्म हो गया, कोई मर रहा है, किसी कुछ हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यही है इंसाफ चाहिए तबरेज के लिए, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमें वही इंसाफ चाहिए। हमें, हमने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, कोई हमने गाड़ियों का जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, हमने सिंपली प्रोटेस्ट किया और वापस आए। हमें इंसाफ चाहिए। आप क्या मानते हैं? हम यही बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो हो रहा है ये मतलब कि रिलीजन के हिसाब से हो रहा है, जैसे मुस्लिम को अलग किया जा रहा है, तो इन चीज़ को इंसाफ देनी चाहिए इनको कि अगर गलत कर रहे हैं तो उसका इंसाफ मिलना चाहिए। पहला नंबर तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सब हिंदुस्तानियों से, जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, कि हम इस हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। इस हिंदुस्तान को गुलदस्ता जो बनाया था सब कौमों ने, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए हर कौमों ने कुर्बानी दी थी, तो हम ये आज नफरत की पॉलिसी क्यों बना रहे हैं? क्यों इंसान की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं है? ये प्रोटेस्ट जो हुआ इसी वजह से हुआ कि हर कौमों को यहाँ आज़ादी से रहने का, अपने मजहबी हिसाब से रहने का हक है, तो किसी को मजहब के नाम पर क्यों कत्ल किया जाता है? हालांकि मुसलमान का खून और हिंदू का खून तो एक ही जैसा है, खाना भी एक ही जैसा खाते हैं, फिर ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है? ये पूरे हिंदुस्तान में इस हिंदुस्तान को अमन की तरफ ले जाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान के लिए काम किया, उनकी कुर्बानियाँ जो है वो जाया जा रही हैं। ये कुछ लोग जो हैं फिरका परस्त ताकते इस हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब कर रही हैं। अगर एक हिंदू उठकर एक मुसलमान को मारता है, तो कल एक मुसलमान उठकर हिंदू को मारेगा तो कहाँ जाएगा ये मुल्क हमारा? ये नफरत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। और मैं उन लीडरों से भी कहता हूँ जो लीडर पार्लियामेंट में, असम्बली में जाते हैं लोगों के बोर्ड लेकर, उनको लोगों की खिदमत के लिए काम करना चाहिए, नफरत को ख़त्म करना चाहिए। नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, अमन चैन जो है ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो सब लोग तरक्की करेंगे। अगर हम आपसी लड़ाई झगड़े में अपने मुल्कों के अंदर रहकर अपनी नफरत फैलाएंगे, मजहबी नफरत फैलाएंगे, तो इससे हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। यह कमज़ोर जो लोग करते हैं इनको रोकना चाहिए, हर इंसान को, कि नफरत ना फैलाएं, सब प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज्जत एहतराम किया जाए। किसी को मारना या जुल्म करना ये ज़्यादती है। क्या पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? इतना नशा फैला जा रहा है, इतने नौजवान जाने जा रही हैं उनकी, तो क्या ये नशे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? पुलिस को जो काम करना चाहिए, पुलिस जिस चीज की तनख्वाह लेती है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ये बर्बादी क्यों हो रही है हमारे हिंदुस्तान में? हिंदू मुस्लिम तो एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं सदियों से, कोई नफरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ये आज क्यों हो रहा है? ऐसे हालात को हम कंडम करते हैं, हम कहते हैं कि हर इंसान का एक फर्ज बनता है इस हिंदुस्तान में अमन और भाईचारा बनाए रखा जाए। जो भी गलत आदमी इसमें काम कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, सख्ती से रोकना चाहिए। ये पुलिस का भी काम है, हम लोगों का भी काम है और लीडरों का भी काम है। ये नफरत वाली पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, अमन से प्यार से सब लोग रहें। तो सर आज अब ये जो किस्सा हुआ है इस पे अब आप क्या कहना चाहेंगे, इंसाफ के गुहार में क्या लगाना चाहेंगे? देखें जी, हिंदुस्तान में कानून जो है, कानून का कोई बोलबाला नहीं है। अगर कानून होता तो कोई भी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। अगर एक कातिल को सजा दी जाती तो दूसरा कातिल कभी नहीं सोचता कि मैं कत्ल करूंगा। जब हिंदुस्तान में पैसे देकर, कोर्टों में पैसे देकर, पुलिस को पैसे देकर सारा कोई बदल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये जुर्म बढ़ रहा है। अगर एक नशा बेचने वाले को अगर पकड़ा जाए तो वो नशा नहीं बेचेगा और ना बच्चे तबाह होंगे। क्या ये नशा कहाँ से आ रहा है? क्या वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं है? ये पुलिस नहीं है वहाँ? ये सारा कोई होने के बावजूद क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए नशे की, तो सर नशे में रोकथाम तो लगी है, कम ज्यादा कहते हैं, इतना ज्यादा जो पहले
मीडिया में आकर बताया जाता है कि हमने ये किया वो किया, नहीं हो रहा है। नौजवान बच्चे जो मारे जा रहे हैं वो उनकी तादाद तो कम हुई नहीं है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं नशे में इसमें मुबतला हो रहे हैं वो उनकी तादाद थोड़ी कम हुई है। जब कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, कुछ फांसी लगाई है उनको, और फांसी लगाई होती तो ये लोग नशा नहीं करते। कातिल को फांसी दी होती तो दूसरा कोई कातिल नहीं बनता।